हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्नल सिस्टम का चैप्टर वन में किसी भी सिग्नल को यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, या कोई सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल के यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में दिया हुआ है तो उसको स्केच कैसे करेंगे, ये दोनों बातें आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का चैप्टर वन का बेसिक कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पांच वीडियो पहले हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसमें ऑपरेशन ऑन सिग्नल, एडिशन ऑफ टू सिग्नल से सारी चीजें बातें उसमें हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि यूटी के टर्म में, यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं, इसका पूरा डिटेल हम आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। वैल्यू की जानकारी है हमारे पास, यूटी की वैल्यू, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू होती है यूटी की 1 होती है टी ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 अदरवाइज होती है। अगर स्केच करना चाहेंगे इसको, यूटी को स्केच करना चाहेंगे तो टी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के राइट साइड ये वैल्यू 1 होती है और 0 के लेफ्ट साइड वैल्यू 0 होती है। इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह करना चाहे, मान जाए यूटी प्लस 2 को स्केच करना चाहता है तो 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ऑन सिग्नल हम लोग कर चुके हैं, ये 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -2 से स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यूटी -3 को स्केच करना चाह रहा है, अभी बेसिक तरीके से हम स्केचिंग और रिप्रेजेंटेशन यूटी के टर्म में बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। पहले समझ लीजिए इस बात, यूटी -3 करेंगे तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, अगर इन दोनों में माइनस करना है यूटी प्लस 2 को में यूटी -3 को माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे, यूटी प्लस 2 माइनस यूटी प्लस 3 करना है, यूटी -3 करना है तो कैसे करेंगे, दो ब्रेक पॉइंट है -2 पे और 3 पे, -2 और 3 पे ब्रेक पॉइंट डाल दीजिए, -2 और 3 पे ब्रेक पॉइंट डाला जाए। अब देखिए -2 के पहले क्या है, इधर 0 है, इधर भी -2 के पहले 0 है, बिफोर -2 वैल्यू ऑफ वैल्यू इज 0, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 -2 से 3, -2 से 3 के बीच वैल्यू इसकी 1 है, -2 से 3 के बीच वैल्यू यूटी -3 की 0 है, 1 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 0 0 होगा, ये 3 के राइट साइड ऑफ 3 है, राइट साइड ऑफ 3 यूटी प्लस 2 है वैल्यू प्लस 1, राइट साइड ऑफ 3 यूटी -3 है वैल्यू प्लस 1, प्लस 1 माइनस प्लस 1, 1 माइनस 1 0 होगा, राइट साइड 0 होगा, ये बन गया यूटी प्लस 2 माइनस यूटी -3। इससे हम लेके आएंगे फॉर्मूला, इससे लेके आएंगे फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला लाएंगे देखिए, अगर कोई भी टी प्लस 2 है, मतलब कि टी प्लस टी नॉट है, हम इसका मतलब समझेंगे कि माइनस टी नॉट पे ये चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, अगर बाहर पॉजिटिव है तो राइज का है इतना राइज कर रहा है, बाहर नेगेटिव है तो इतना फॉल हो रहा है। देखिए यूटी प्लस 2 का मतलब -2, बाहर 1 है, बाहर कुछ नहीं है तो प्लस 1 है, 1 राइज हो रहा है इस सिग्नल में, फिर यूटी -3 का मतलब 3 पे, बाहर -1 है तो 1 का फॉल हो रहा है। इस तरह से अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें, स्केच करना चाहें तो कर सकते हैं, या यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक सिग्नल दे रखा है इसको यूटी के टर्म में लिखना है, एक्स टी दे रखा है
माइनस वन थ्री वन, बताइए क्या होगा? इससे कंपेयर करिए, माइनस टू है तो यूटी प्लस टू लिखा, या माइनस वन है तो यूटी प्लस वन लिख रहा हूं मैं, और एरो दे दें तो यहां राइज है, प्लस वन का राइज है तो बाहर प्लस वन हो गया, प्लस वन अब जा रहा है तो प्लस वन हो गया, यहां जीरो स्लोप के साथ जा रहा है तो यहां कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप होगा तो उसको रैंक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आगे बताएंगे। आगे प्लस थ्री का मतलब यूटी माइनस थ्री, और यहां पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, प्लस वन, पहले वैल्यू प्लस वन थी बाद में जीरो हो रही है, मतलब वन का फॉल हो रहा है माइनस वन, मतलब इसको हम यूटी प्लस वन माइनस यूटी माइनस थ्री लिख सकते हैं। बहुत ही जो होता है आगे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें डायरेक्ट यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, या यूटी के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको स्केच करना आना चाहिए, फास्ट कैसे करेंगे वो भी ध्यान देना। एक और देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, नोट डाउन कर लिया हूं, नहीं कर पाए तो रिवाइंड करके और सिग्नल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ऐसा है, ए वैल्यू माइनस वन है, ए वैल्यू प्लस वन, इस सिग्नल को यूटी के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखें, माइनस टू है स्क्वायर रूट दीजिए तो आसानी रहेगी, लेफ्ट टू राइट एरो रहेगी, ए माइनस टू है, माइनस टू का मतलब यूटी प्लस टू है, माइनस टू का मतलब यूटी प्लस टू है, और राइज, राइज कितने का राइज है, प्लस वन का, बाद प्लस वन लगा दें, प्लस वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टूड है कि प्लस वन ही है। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट टू पे है तो टू के लिए यूटी माइनस टू लगाते हैं, प्लस टू के लिए यूटी माइनस टू, माइनस टू के लिए यूटी प्लस टू, डाउन जा रहा है सिग्नल, प्लस वन से माइनस वन हो रहा है, कितने का फॉल है, टू का फॉल है तो माइनस टू लगा दीजिए। अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है फाइव तो फाइव के लिए यूटी माइनस फाइव लिखिए, राइज हो रहा है सिग्नल, कितने का राइज है, माइनस वन से जीरो जा रहा है, प्लस वन का राइज है, प्लस वन का राइज है, इसको लिख सकते हैं यूटी प्लस टू माइनस टू यूटी माइनस टू प्लस यूटी माइनस फाइव, ये हमने यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जीरो स्लोप वाले कैसे भी सिग्नल हो आप उसको यूटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, जल्दी फास्ट यूटी के फॉर्म में ऐसे लिख के दिखाइए, जल्दी करिए। इस सिग्नल को, इस जो ग्राफ है इसे यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फास्ट दिखाइए, जल्दी लेफ्ट टू राइट पहले एरो डाल दीजिए, लेफ्ट टू राइट एरो डाल दीजिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स टी इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव पहला ब्रेक पॉइंट है, माइनस फाइव के लिए यूटी प्लस फाइव लिखेंगे, और राइट है प्लस वन का, प्लस वन का आप क्या रहा है जीरो से प्लस वन, मतलब प्लस वन बार प्लस वन लगा दिया हमने, माइनस थ्री पे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है तो यूटी प्लस थ्री लिखेंगे,
और डाउन हो रहा है, वन से माइनस टू हो रहा है, पहले वैल्यू वन थी बाद में माइनस टू, सॉल्व कितने का हो रहा है थ्री का, तो यहां माइनस थ्री लगा दें। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है फोर पे, फोर के लिए लिखेंगे यूटी माइनस फोर, और माइनस टू से सिग्नल प्लस टू जा रहा है, माइनस टू से प्लस टू मतलब फोर का राइज हो रहा है, फोर का अप हो रहा है, तो प्लस फोर लगा दें। फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है यूटी माइनस सिक्स, सिक्स पे टू से जीरो हो रहा है तो माइनस टू लगा दें। आसानी से लिख सकते हैं यूटी के फॉर्म में, कैसा भी सिग्नल दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर सेकेंड फेज पे जाएंगे इस वाले वीडियो के। इसे इंडिकेटर में रिप्रेजेंट करता है, जल्दी इतना समय नहीं लगना चाहिए, एक मिनट के अंदर आप रिप्रेजेंट करके रख देना चाहिए आपको। हो गया, उम्मीद करते हैं हो गया होगा आप लोग को। एरो तो लगाई दीजिए, लेफ्ट टू राइट एरो। एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट तभी आपको पता चलेगा कि राइट हो रहा है या फॉल हो रहा है। एरो का मतलब ये नहीं कि सिग्नल लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एरो हम फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मनी लगा रहे हैं, एरो का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, हम रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी सुविधा के लिए एरो लगा दिए, एरो है यहाँ नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक्सी ब्रेक पॉइंट माइनस फाइव है तो इसको लिख दें यूटी प्लस फाइव, और जीरो से बन जा रहा है, वन का राइज है तो बाहर प्लस वन नहीं भी लगाएंगे तो प्लस वन ही समझ में आएगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट माइनस फोर पे है तो यूटी प्लस फोर, इस पे क्या हो रहा है पहले से सिग्नल की वैल्यू वन थी बाद में थ्री हो जाएगी, वन टू थ्री प्लस टू का राइज हो रहा है तो प्लस टू लगा दें। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट जीरो पे है, जीरो के लिए यूटी काफी है, थ्री से माइनस टू हो रहा है, थ्री टू माइनस टू फाइव का फॉल हो रहा है माइनस फाइव। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट टू पे है तो इसके लिए यूटी माइनस टू लगाते हैं, माइनस टू से टू जा रहा है प्लस फोर का राइज हो रहा है। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट फोर पे है तो इसके लिए यूटी माइनस फोर लगाते हैं, और टू से ये फोर जा रहा है प्लस टू का राइज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट सिक्स के लिए, सिक्स पे है इसके लिए यूटी माइनस सिक्स लगाते हैं, और सिक्स पे क्या हो रहा है फोर पहले से था और जीरो बाद में हो रहा है माइनस फोर हो रहा है, फोर का फॉल हो रहा है। तो इस तरह से जीरो स्लोप वाले कैसा भी सिग्नल है उसको यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके सेकंड फेज पे आते हैं कि यूटी के फॉर्म में दिया हुआ है तो स्केच कैसे करेंगे। हाउ टू स्केच ए सिग्नल व्हेन गिवन इन द फॉर्म रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यूटी। ऐसा दे दिया स्केच एक्स टी इक्वल टू यूटी प्लस थ्री माइनस टू यूटी प्लस यूटी माइनस टू, ऐसा दे दिया। कैसे करेंगे, अब ब्रेक पॉइंट की तो जानकारी आ गई आपको,
यूटी प्लस थ्री का मतलब माइनस थ्री पे ब्रेक पॉइंट है, यूटी का मतलब जीरो पे ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी है वहां पे ब्रेक हो रहा है वैल्यू का ना, एकाएक चेंज हो रहा है। यूटी माइनस टू का मतलब टू पे ब्रेक पॉइंट है, और माइनस थ्री पे क्या हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है तो प्लस वन है, मतलब वन का राइज हो रहा है, जीरो पहले वैल्यू है तो वन पे चली जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, जीरो स्लोप है, इंटरसेप्ट का जीरो स्लोप ही होता है। यूटी जीरो पे माइनस टू हो रहा है, पहले से वैल्यू वन है, टू माइनस करेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन पे चला जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मिला देंगे, टी माइनस टू, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे बाहर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस वन हो रहा है, माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो ये जीरो पे चला जाएगा। तो स्केच हो गया सिग्नल, अब बहुत ही आसानी से स्मूथली स्केच करते हैं, कर सकते हैं, कितना ही बड़ा यूटी के फॉर्म में सिग्नल गिवन हो तो आप स्केच कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये भी नहीं आया तो क्या आएगा भी? एक और एग्जांपल लेते हैं, टू यूटी प्लस थ्री माइनस फाइव यूटी प्लस वन प्लस थ्री यूटी माइनस टू प्लस फोर यूटी माइनस फोर, ऐसा ठीक है। इसे स्केच करिए जल्दी, पहले ब्रेक पॉइंट को लिख देना, दिखाई दीजिए ग्राफ में। स्केच करें, ब्रेक पॉइंट कहां कहां पे है, माइनस थ्री पे एक ब्रेक पॉइंट है, यूटी प्लस वन का मतलब माइनस वन पे एक ब्रेक पॉइंट है, यूटी माइनस टू का मतलब टू पे ब्रेक पॉइंट है, यूटी माइनस फोर का मतलब फोर पे ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, ब्रेक पॉइंट हमने दिखा दिया। यूटी प्लस थ्री माइनस थ्री पे बाहर प्लस टू हो रहा है, प्लस टू का मतलब जीरो पे पहले वैल्यू है तो टू पे आ जाएगी, प्लस टू है ना, टू पे वैल्यू आ गई, अगले ब्रेक पॉइंट तक ऑरिजिनली चलेगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट यूटी प्लस वन पे क्या हो रहा है, माइनस फाइव हो रहा है, माइनस फाइव का मतलब टू माइनस फाइव, अरे माइनस थ्री पे चला गया। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पर तो स्ट्रेट लाइन जाएगा भाई। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, माइनस थ्री में प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल जाएगा। यूटी माइनस फोर पे क्या हो रहा है, माइनस फोर, यूटी माइनस फोर का मतलब फोर पे क्या हो रहा है, प्लस फोर हो रहा है, माइनस टू प्लस फोर, माइनस टू प्लस फोर कितना होता है, माइनस टू प्लस फोर, माइनस टू प्लस फोर टू होता है, टू होता है, ठीक है, तो माइनस टू प्लस फोर टू होता है, पहले टू तक चला जाएगा, टू हमारा और थोड़ा ऊपर था ना, यहाँ था टू बना, और आगे इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, आगे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है तो जनरली चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके ये बात। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स टी इक्वल टू थ्री यू टी माइनस फोर यू टी प्लस टू, टू तो लगाया ही नहीं, प्लस फाइव यू टी प्लस फाइव माइनस थ्री यू टी माइनस सिक्स प्लस टू यू टी माइनस वन, ऐसा इसे स्केच करना है जल्दी, स्केच करिए, स्केच करिए जल्दी। परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है ना, स्केच करने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है,
ये ऑर्डर वाइज नहीं है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर वाइज नहीं है, तो इसको पहले ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेंगे, हमारे लिए आसान होगी। करने वाले तो जो बिल्डिंग डस्टबिन है वो ऐसे भी कर लेंगे, हम बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं भाई, हम तो अंत्योदय है, अंतिम पंक्ति में खड़े स्टूडेंट की चर्चा करते हैं। तो इसको पहले अरेंज कर लेंगे, ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेंगे, फिर स्केच करेंगे आसान, बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट तो जो होता है वो कैसे भी कर लेगा सोल्व, उसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को लेकर हम समझाते हैं, ए फाइव यू टी प्लस फाइव माइनस यू टी प्लस टू, मतलब ब्रेक पॉइंट माइनस फाइव पे, उसके बाद माइनस टू पे, नंबर लाइन में जैसे दिखाते हैं ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, प्लस फोर है फोर यू टी प्लस टू, थ्री यू टी प्लस टू यू टी माइनस थ्री, माइनस थ्री यू टी माइनस सिक्स, ये ऑर्डर वाइज अरेंज हो गया, माइनस फाइव माइनस टू जीरो थ्री सिक्स, ये ऑर्डर वाइज अरेंज हो गया। अब इसको स्केच करिए, ए माइनस फाइव है ब्रेक पॉइंट पहले, फिर माइनस टू पे ब्रेक पॉइंट है, फिर जीरो पे ब्रेक पॉइंट है, फिर थ्री पे, फिर सिक्स पे ब्रेक पॉइंट, इस तरह से ब्रेक पॉइंट। तो माइनस फाइव पे प्लस फाइव का राइज हो रहा है, तो जीरो पे था तो प्लस फाइव पे चला जाएगा, अगले ब्रेक पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल जाएगा। माइनस टू पे क्या हो रहा है, फोर माइनस हो रहा है, फोर माइनस चला जाएगा तो ए प्लस वन पे आएगा, प्लस वन है ए फाइव। और जीरो पे क्या हो रहा है, थ्री प्लस हो रहा है, वन में थ्री प्लस होगा तो फोर पे चला जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे माइनस थ्री पे क्या हो रहा है, टू प्लस हो रहा है, फोर प्लस टू सिक्स और ऊपर चला गया, सिक्स है। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे थ्री माइनस हो रहा है, तो सिक्स पे थ्री माइनस हो रहा है, फोर पे था थ्री पे आ जाएगा। आगे ऐसे स्ट्रेट लाइन चले जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, सिक्स है, बीच में भी लिख लेते हैं तो आसानी होती है जब बहुत सारे वैल्यू चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने स्केच करना सीख लिया जीरो स्लोप वाले सिग्नल का, और यूट्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, यूनिट स्टेट फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो स्केच करना भी सीख लिया, और ग्राफ दिया हुआ है जीरो स्लोप वाले, तो उसको यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। आगे की वीडियो में रैंप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल, अभी बेसिक में बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लेकर चलेंगे एक एक वीडियो में, और समझाएंगे बारीक से समझाएंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। और इस चैनल को अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में।